अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 6,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां वैध होंगी। सरकार ने उनके नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नियमों को जल्द ही प्रकाशन किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिल्डिंग निर्माण की परमिशन मिलने के साथ ही बैंक लोन भी मिल सकेगा। कॉलोनी में नगरीय निकाय के जरिए सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी। और यह भी तय किया गया है कि जिन मकानों में नक्शे से अधिक निर्माण किया गया है, उसमें अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग यानी समझौता शुल्क लेकर सेटल किया जाए। से ये प्रस्ताव पास किया था, विधेयक पास किया था कि हमारे प्रदेश में लगभग जो 7,000 अवैध कॉलोनियां हैं, उन अनाधिकृत कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी है, उन सभी कॉलोनियों का वहां के नागरिकों को तकलीफ उठाना पड़ रही थी, क्योंकि जो बनाने वाले थे वो तो बना के बेच के चले गए, पर वहां जो मूलभूत सुविधाएं थी उनकी कठिनाई थी। कई जगह पानी की समस्या थी, रोड की समस्या थी, स्ट्रीट लाइट की, सीवर की, गार्डन की, ये सारी समस्याएं थी। और वो साथ अधिकृत नहीं थी, चूंकि लीगलाइज नहीं थी, इसलिए उनको लोन वगैरह भी नहीं मिल पाता था बैंक से, उनकी प्रॉपर्टी का कोई लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, लोन नहीं मिलने से मकान नहीं बना पा रहे थे। तो अब कॉलोनी शासकीय होने से, मान्यता प्राप्त होने से ये सारा लाभ अब लोगों को मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने ये सभी जितनी भी अनाधिकृत कॉलोनियां 2017 की स्थिति में थी उनको हम लोगों ने वैध करने का निर्णय लिया है। और साथ में ये निर्णय भी लिया है कि जिन लोगों ने भी ये अनाधिकृत कॉलोनियां बनाई है उनमें जो भी खर्चा विकास का आएगा उस खर्चे की वसूली जो कॉलोनाइजर है उससे सरकार करेगी। और उसमें हम लोगों ने 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी किया है।